हिजामा, हिजामा क्या है और इसका तरीकेकार क्या है? हिजामा किन किन अमराज के लिए इस्तेमाल कराया जा सकता है? मुकम्मल मालूमात जानिए आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। आज मैं आपको हिजामा के मौजू पर बताऊंगी। आज हिजामा के तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी कि हिजामा का तरीकेकार और किन किन बीमारियों की सूरत में करवाया जा सकता है, जो पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम मुस्लिम ममालिक में किया जाता है। ज्यादा मुसलमान इसलिए करवाते हैं क्योंकि हिजामा सुन्नत रसूल भी है। बहुत से अहादीस से साबित है कि हुजूर पाक सल्लम ने अपनी उम्मत को हिजामा की तलकीन फरमाई है और कहा है कि हिजामा हर एक बीमारी की शफा है। हिजामा जिस्म को सेहतमंद रखता है और हर तरह की बीमारियों से महफूज भी रखता है। मुसलमानों में हिजामा की मकबूलियत और शोहरत की सबसे बड़ी वजह सुन्नत रसूल है। लेकिन अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो बाकी ममालिक के लोग इस पर कोई खास रिसर्च नहीं करते क्योंकि इनके पास अपने कुछ तरीके और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यानी इस्लामिक ममालिक इनमें बहुत से हिजामे सेंटर्स हैं। बहुत से मुसलमान इस तरीके इलाज से फायदा उठाते हैं और ये एक बहुत महफूज इलाज है। अब मैं इसका तरीके की तरफ आऊंगी और तरीका बताऊंगी। हिजामा को कपिंग थेरेपी भी कहते हैं। इस कपिंग थेरेपी में जो कप्स यूज किए जाते हैं वो सिलिकॉन के हों या दूसरे जिस्म पर लगाए जाते हैं, लेकिन जो कप्स होते हैं पहले इनके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। पुराने वक्तों में जो कप्स इस्तेमाल होते थे वो बास मिट्टी के बने या किसी और मटेरियल के होते थे। इनके अंदर कागज रखकर आग लगाई जाती थी और इसकी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती थी, तो इसको पूरे जिस्म पर रख दिया जाता था तो वो जो वैक्यूम बनता था ऑक्सीजन या हवा ना होने की वजह से, तो इस सूरत में स्किन ऊपर आ जाती थी। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न तरीका है इसमें जो कप्स होते हैं वो महसूस बॉडी पॉइंट्स पर लगाए जाते हैं, यानी हर बीमारी के लिहाज से एक महसूस पॉइंट होता है, तो कप इन पॉइंट्स पर लगाए जाते हैं और फिर इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो जो पहला मरहला होता है इसको ड्राई कपिंग कहते हैं, यानी 5 से 3 मिनट तक लगे रहेंगे और इनमें वैक्यूम बना रहेगा। हलाल जो बनी होगी इस वजह से स्किन में उभार आएगा, बल्कि वो सुर्ख होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि वैक्यूम स्किन को सक किया होता है और ऊपर खींचा होता है, इसकी वजह से खून की नालियां फैल जाती हैं। इस सारे प्रोसीजर को ड्राई कपिंग कहते हैं। अगला मरहला वेट कपिंग का। इसमें ये किया जाता है कि जो कप्स होते हैं चाहे जितने भी लगाए गए हों, जब इन कप्स को उतारा जाता है तो 5 से 3 मिनट के वक्फे के बाद वहां पर दायरा बन जाता है, जिस्म पर कप्स वाली जगह नमाया हो चुकी होती है, तो फिर वहां पर स्कैपल की मदद से छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं। ये कट इतने हल्के होते हैं कि इनका दर्द महसूस नहीं होता और वैक्यूम और उभार की वजह से जगह काफी हद तक सुन हो चुकी होती है। और कट लगाने के बाद इन कप्स को दोबारा वहां पर लगा दिया जाता है और वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और फिर 5 से 3 मिनट तक इन्हें ऐसे ही रहने दिया जाता है और फिर खून के कतरे निकलकर इसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम तरीका हिजामा का है। अब मैं बताते चलूं कि किन किन अमराज की सूरत में हिजामा कराना जरूरी है या किन किन अमराज के होते हुए हिजामा करवाया जा सकता है। हिजामा सेहतमंद लोग भी करवा सकते हैं। हिजामा न सिर्फ बीमारियों से शिफा दिलाता है बल्कि हिजामा जिस्म को हर तरह की बीमारी से बचाता है। वो लोग जो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो, इन्हें हिजामा करवाना चाहिए। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द का रहना, जोड़ों का दर्द, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मोहरों का दर्द, इसके अलावा कब्ज का मुसलसल रहना, मेहदे की तमाम तकालीफ, आंखों की बिनाई और काले जादू का भी हिजामा बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा अगर जिल्द में कोई मर्ज है तो हिजामा से इस मर्ज से निजात मिलती है। अगर आप हिजामा करवाना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से करवाएं क्योंकि इसमें बेहतियाती की वजह से मरीज और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है, इसलिए जरूरी है अब जहां से भी हिजामा करवाते हो वहां पर सेहत और सफाई के मुतालिक तमाम अमूर पर लाजमी गौर करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और वो तमाम अफराद जो किसी भी बीमारी का शिकार है और हिजामा करवाना चाहते हैं तो तहसील दवाखाना हिजामा सेंटर जो कि रावलपिंडी में मौजूद है, इसमें हकीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर हिजामा के स्पेशलिस्ट हैं। तमाम मरीजों का हिजामा खुद करते हैं और बहुत से लोगों ने हिजामा करवाया है और मुख्तलिफ अमराज से निजात पाई है।
और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप में खून की कमी या खून के मुतल्लिक कोई बीमारी नहीं तो आप हर 6 माह बाद हिजामा करवा सकते हैं। तो आज आप भी हिजामा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और तहसील हिजामा सेंटर रावलपिंडी से हिजामा करवा सकते हैं। अगर आप किसी जगह से हिजामा करवाते हैं और ठीक नहीं होते तो सफाई के मामलों पर ध्यान दें। हिजामा के मुतालिक मजीद ऐसी मालूमात जानने के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हिजामा के मुतालिक आने वाली हर वीडियो आसानी से आपको मिल सके। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए तासीर दवाखाना एंड हिजामा सेंटर आकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगले प्रोग्राम में ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।